दोस्तों, यदि आप भी चाहते हो अपने 4G मोबाइल को 5G बनाना और चाहते हो 5G स्पीड में इंटरनेट को यूज करना, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। आपके मोबाइल का जो इंटरनेट होगा दोस्तों, रॉकेट की तरह दौड़ेगा और इतना फास्ट चलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों, आज आप अपने 4G मोबाइल को 5G मोबाइल में कन्वर्ट करने वाले हैं इंटरनेट के मामले में। ओके, ये काम आप कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों के पास शेयर करना, हो सके तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लेना। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको हमारे प्यारे प्यारे इन वीडियो के नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेंगे। एक कमेंट भी करना दोस्तों, वेरी नाइस वीडियो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आपका जो 4G मोबाइल है, जैसे यहाँ पर दोस्तों 4G आता है लिखा हुआ, 4G मोबाइल आपका चलता है, ओके, 4G इंटरनेट चलता है, वो 5G बन जाए और जो आपके इंटरनेट की स्पीड है वो 5G के जैसे ही आपको मिलने लग जाए, तो ये एक बहुत ही बड़ी ट्रिक हो जाती है दोस्तों। क्योंकि आपके पास नॉर्मली 15-16 हज़ार का मोबाइल होगा, आप उसमें 5G नेट यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन अब प्रेजेंट में दोस्तों वैसे 14-15 हज़ार के 5G मोबाइल भी आ रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उसमें 5G इंटरनेट नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि आपके पास 4G सिम है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, आप 4G मोबाइल में भी और 5G मोबाइल में भी, दोनों में ही, ओके, 4G सिम से भी 5G इंटरनेट जो है यूज कर पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है दोस्तों। बेसिकली आपको एक चीज का पता होना चाहिए, जो आप 5G मोबाइल खरीद रहे हैं ना दोस्तों, वो एक्चुअल में अभी प्योर 5G नहीं होते हैं, ओके। 5G जैसे उनको रेंज दी जा रही है जिसको आप यूज करके अपने मोबाइल में 5G जैसा नेट जो है चला सकते हैं, लेकिन रेंज कहां से मिलेगी वही मैं आपको बताने वाला हूं। वो तो यदि आपके 4G के बैंड अच्छे रहेंगे मोबाइल के, तो भी आप जो है उस स्पीड में इंटरनेट को जो है चला पाएंगे, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है दोस्तों ये। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, अपने मोबाइल में केवल और केवल दोस्तों 3 सेटिंग करनी है। यदि ये 3 सेटिंग कर लेते हैं तो चुटकियों में आपका काम बन जाएगा और दोस्तों चौंक जाएंगे, वेरी नाइस कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे आकर, ओके, बहुत लाजवाब वीडियो होने वाली है, ओके। सबसे पहले सेटिंग में आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। फेसबुक पर देख रहे तो ऊपर की साइड, यूट्यूब पर देख रहे तो नीचे की साइड, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। जब आप एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करेंगे, एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन होगी, नेक्स्ट करना, ओके, एक्सेप्ट करना, सभी परमिशन को गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना। अब यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, आने के बाद यहां पर आपको मिलेगा Method 1, Method 2, Method 3, इन तीनों पर क्लिक करना है, जिसमें से भी सेटिंग खुल जाएगी वही मेथड आपका काम जो है करेगा। जैसे मैं करता हूँ Method 1 पर क्लिक, तो ओपन नहीं हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी नोट फॉर कंपेटिबल। सेकंड पे करते हैं Method 2 पर क्लिक, तो जैसे ही Method 2 पर मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया है। दोस्तों, आप इस सेटिंग पर यहाँ पर आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, ओके दोस्तों। और कुछ मोबाइल दोस्तों ऐसे होंगे जिसमें आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आप एक कोड को डायल करेंगे। कोड होगा दोस्तों, यदि आप डायलर पैड में जाएंगे, यहाँ पर डायल करेंगे *#*#4636#*#*#, जैसे आप ये कोड डायल करेंगे, कुछ इनबिल्ड सर्किट सेटिंग आएगी निकल कर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जो है फोन इन्फॉर्मेशन पर, तो जैसे फोन इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस सेटिंग पर जाएंगे जैसे कि उस एप्लीकेशन में आए थे, ओके। तो या तो कोड डायल करके कर लेना या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों यहां पर आप आएंगे, यहां पर आपको क्लिक करना है सेट प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप, इस पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहां पर क्लिक करने के बाद आपको एक सेटिंग ढूंढनी है जो कि दोस्तों होगी LTE only, जैसे आप देख सकते हो यहां पर है LTE only, इस पर आप क्लिक कर देंगे और वापस से आप जो है बैक चले जाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, इसको यहां से अपडेट कर देना। जैसे ये सेटिंग आपकी अपडेट दोस्तों हो जाएगी, इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड नंबर की सेटिंग करनी है अपने मोबाइल के अंदर, ओके। सेकंड नंबर की सेटिंग में दोस्तों आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, यहां पर जाने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट वाली सेटिंग में जाना है। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, इसमें चले जाना है। यहां पर आपको सिम सेलेक्ट करना है जिस सिम को आप जो है 4G से 5G जैसी स्पीड जो है पाना चाहते हैं। जैसे मैं जाना चाहता हूं सिम 1 में, यहां पर सेलेक्ट करेंगे। यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, आप इस पर क्लिक करेंगे। या बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो 3G और 2G है या 4G होगा, लेकिन आपको क्या करना है 5G प्रेफर एंड 4G 3G 2G, ओके, सबसे ऊपर वाले पर क्लिक रखना है। जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक कर लेते हो, अब 5G वाले जो सेटिंग आपके मोबाइल में हो चुकी है, ओके, लेकिन 5G जैसा इंटरनेट यूज करने के लिए आपको अपने मोबाइल में क्या करना है, वापस से जाना है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क वाले सेटिंग में, सिम को सिलेक्ट करना है और दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा दोस्तों एक्सिस पॉइंट नेम, APN वाले सेटिंग में आपको चले जाना है। APN वाले सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर प्लस के निशान पर क्लिक करना है। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहां पर जाना है नेम में। नेम में दोस्तों सबसे पहले यहां पर आपको टाइप करना है 5G। इसके बाद दोस्तों यदि आपका जियो है तो जियो लिखना है, यहाँ पर आइडिया है तो आइडिया लिखना है, VI है तो VI लिखना है, ओके। जो भी आपके पास सिम यूज करते हैं उसका आपको नाम लिखना है और ये कैपिटल में होना चाहिए। जैसे मेरे पास आइडिया है IDEA, ओके, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आइडिया, ओके। वोडाफोन आइडिया दोनों एक ही है, वोडाफोन भी लिख सकते हो, आइडिया भी लिख सकते हो, ओके दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आप ओके कर देंगे। इसके बाद APN आएगा, APN में दोस्तों आपको सिंपली लिखना है
आइडिया IDEA, यदि वोडाफोन का है तो वोडाफोन जियो का तो है, यहाँ पर जियो जो है आप लिखेंगे, ओके ओके कर देंगे। इसके बाद प्रोक्सी आप में आपको कुछ नहीं करना है, पोर्ट में कुछ नहीं करना है, यूजर नेम आएगा, यूजर नेम में आपको क्या काम करना है दोस्तों, यहाँ पर डालना है BETA 5G, ओके बेटा 5G यहाँ पर जो है आपको टाइप करना है, ओके कर देना है। इसके बाद पासवर्ड आना है, इसको नहीं छेड़ना है आपको, सर्वर आएगा, सर्वर पर आपको टाइप करना है www.google.com, ओके दोस्तों। जैसे दोस्तों ये जो APN होगा ये गूगल के सर्वर पर काम करेगा, तभी आपको बेटर स्पीड मिलेगी 5G की जैसी। इसके बाद MMS आएगा, इसको कुछ नहीं करना है, MMS प्रोक्सी आएगा कुछ नहीं करना है, MMS पोर्ट आएगा कुछ नहीं करना है, MCC MNC को नहीं छोड़ना है, ऑथेंटिकेशन टाइप आएगा इस पर क्लिक करना है, सबसे नीचे वाला सेट जो है करना है PAP और CHAP वाले पर, ओके। इसके बाद आएगा APN टाइप, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद आएगा APN प्रोटोकॉल, इस पर आप सबसे नीचे वाला करेंगे IPv4 IPv6, रोमिंग में यदि आप इंटरनेट चलाएंगे तो IPv4 IPv6 पर ही चलाएंगे, दोनों को सेम रखना है। इसके बाद आएगा बैरियर, ओके बैरियर पर क्लिक करना है और LTE ओनली पर क्लिक कर देना है, केवल LTE ओनली पर। इसके बाद ओके करना है और जो आपने सेटिंग सभी करी है अपने वॉल के अंदर, इसको सेव करना है, यहां पर थ्री डॉट पर क्लिक करके यहां पर सेव आएगा, सेव पर क्लिक जो है कर देना है। अब यहां पर आ चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो 5G आइडिया, पहले मैंने आपको दिखा था आइडिया 5G बीटा, ओके, लेकिन अब हमने बनाया 5G आइडिया, ओके। तो इस पर जो है टिक करेंगे और इसके बाद अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके जो है ऑन करेंगे। जैसे दोस्तों आप ये काम कर लेते हो, जो आपके मोबाइल की इंटरनेट की स्पीड होगी वो 4G प्लस प्लस हो जाएगी, यानी कि 5G की जैसी स्पीड आपको मिलने लग जाएगी। इसको प्रैक्टिकल करके देखना दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे, ओके। आप चौंक जाएंगे दोस्तों, जब आप इंटरनेट चलाएंगे इतनी स्पीड से चलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ओके। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखना, तीनों सेटिंग को अप्लाई करना अपने मोबाइल में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को प्रेस लाइक करना, प्रैक्टिकली जरूर करके देखना दोस्तों एक बार, ओके। तो ये था इस वीडियो में, नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।